नमस्कार दोस्तों मैं मैंने पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं में पूछे गए एक सवालों की कड़ी लेकर फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आज हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करेंगे सवाल नंबर वन से और सवाल नंबर वन जो है आपके स्टेटिक्स का क्वेश्चन है क्या कह रहा है ध्यान देंगे कहा गया है साक्षी ने साक्षी ने अपने पंद्रह दिन का इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की अठारह बीस सोलह सत्रह बत्तीस सत्रह छोलह बारह तेरह सत्रह अट्ठाइस चौबीस पैंतालीस सत्रह ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माधिका का औसत क्या करें ध्यान दीजिएगा सबसे पहला चीज है बहुलक और माधिका माधिका की जब हम लोग बात करेंगे तो माधिका निकालने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट आपका ये होता है माधिका निकालने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट यह होता है कि जो भी हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है उस डाटो को उस डाटा को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में आप सजा लें यानी बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में किसी भी प्रकार से आप सजा लेंगे सबसे पहले हम इसको सजाएंगे आरोही क्रम में आरोही क्रम में अगर इसको हम एसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो क्या आएगा सबसे छोटा क्या है छो उसके बाद बारह उसके बाद तेरह उसके बाद है सोलह सोलह फिर है सत्रह 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 उसके बाद क्या है मेरे दोस्त सत्रह के बाद आपका है बी 18, उसके बाद है बीस उसके बाद है चौबीस उसके बाद है अट्ठाईस 28 के बाद है आपका पैतालीस 28 के बाद 32, 32 और तब 45. ध्यान दीजिएगा ये हमने पहले क्या किया आरोही क्रम में इसको सजा लिया देख लीजिए कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह अगर मादिका निकालने में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो ऑड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होते हैं तो मादिका जो होती है पंद्रह प्लस एक डिवाइडेड बाई टू यानी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूवा पद होता है टूवा पद होता है तो पंद्रह एक सोलह आठवां पद इसका मतलब माधिका होगा और आठवां पद जब आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ आठवां पद हमारे पास क्या आ रहा है सत्रह आ रहा है यानी मादिका जो होगी इसका मादिका जो हो जाएगी वह माधिका हो जाएगी आपके पास कितनी सेवनटीन मादिका हो जाएगी कितनी सेवनटीन अगर हमें बात किया गया है बहुलक का बहुलक का अगर बात करें तो बहुलक होता है जो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम बार हो जो सबसे जद, अधिक बार प्रयोग हुआ हो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक और बहुलक यहां इस केस में आपका देख लीजिए सत्रह चार बार प्रयोग किया गया है सत्रह ही हो जाएगा यानी बहुलक का वैल्यू हो जाएगा कितना बहुलक जो होगा वह आपका सत्रह ही हो जाएगा तो हमसे कहा गया है बहुलक और माधिका का औसत क्या होगा तो बहुलक और माधिका का औसत जो होगा सत्रह प्लस सत्रह डिवाइडेड बाई कितना तो यानी right सत्रह इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या ए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बराबर रूट थ्री प्लस रूट टू एक्स का वैल्यू जो है रूट थ्री प्लस रूट टू के बराबर है तो हमसे कहा गया है X प्लस 1 X का क्या होगा? दो चीजें प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस कितना टू स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल माइनस कितना टू ध्यान देंगे अगर एक्स का वैल्यू ये है तो वन बाई एक्स का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो वन बटा रूट थ्री प्लस रूट टू हो जाएगा और इसको जब परमीकरण करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन करने के बाद ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू बटा रूट थ्री माइनस रूट टू अर्थात रूट थ्री माइनस रूट टू यानी एक्स का वैल्यू देख लीजिए एक्स का वैल्यू रूट, रूट, का रूट, थ्री, रूट, रूट थ्री प्लस रूट टू है और वन बाई एक्स का वैल्यू रूट थ्री माइनस रूट टू है यहां हम रख देंगे रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस टू देखिए तो रूट टू से रूट टू खत्म हो जाएगा ये हो जाएगा टू रूट थ्री टू रूट थ्री का क्या होल स्क्वायर माइनस दो दो का स्क्वायर चार चार बारह बारह में से दो घटेगा आपका आंसर आ जाएगा कितना दस दस इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा टेन इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर क्या ए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स बराबर फाइव वाई बराबर टू तो फोर एक्स के पावर फोर प्लस नाइन वाई स्क्वायर माइनस बारह एक्स स्क्वायर वाई क्या होगा? ध्यान देंगे, फोर एक्स के पावर फोर आप लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है थ्री वाई का होल स्क्वायर बारह एक्स स्क्वायर वाई के जगह पे हम लिखेंगे माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्वायर इंटू थ्री वाई तीन दोना दो दुना चार चार बारह एक्स पास फॉर्म आ गया ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस टू ए बी अर्थात बी का ए के जगह पे टू एक्स स्क्वायर माइनस बी के जगह पे थ्री वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर यही आपका राइट आंसर होगा लेकिन ध्यान देंगे हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है पांच एक्स का वैल्यू पांच दिया हुआ है तो पांच का स्क्वायर कितना पच्चीस का स्क्वायर पचीस 25, 25 कितना पचास माइनस वही के जगह पे टू अगर रखेंगे तो ध्यान देंगे तीन कितना 6. 6 का होल स्क्वायर हो तो पचास माइनस छ का होल स्क्वायर हो जाएगा चौवालीस चौवालीस का होल स्क्वायर चौवालीस का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका उन्नीस सौ कितना छत्तीस उन्नीस सौ छत्तीस आपका इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन गोज टू सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चौवालीस का स्क्वायर उन्नीस होगा यही इस सवाल का सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शहर का नक्शा एक अनुपात पांच हजार सेंटीमीटर पांच सॉरी पचास हजार के पैमाने पर तैयार किया जाता है इस नक्शे पर दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी बारह सेंटीमीटर है तो बताइए दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है इसका मतलब क्या है ध्यान समझिएगा एक अनुपात पचास हजार इसका मतलब है कि अगर मानचित्र के पैमाने पर यानी मैप पर एक सेंटीमीटर लिखा हुआ है उसका मतलब है पचास हजार सेंटीमीटर पचास हजार सेंटीमीटर डेट मीन्स आप कहेंगे एक सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर बराबर पचास हजार सेंटीमीटर है तो यहां ऐसे लिख दे पचास गुने एक हजार सेंटीमीटर लिखा जा सकता है और एक हजार सेंटीमीटर बराबर एक हजार सेंटीमीटर बराबर सॉरी सौ सेंटीमीटर यहां पांच सौ गुने सौ कर देते हैं सौ सेंटीमीटर बराबर आपका एक मीटर हो जाएगा अर्थात पांच सौ मीटर हम लिख सकते हैं क्या 500 मीटर हम लिख सकते हैं क्या एक सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 500 मीटर तो बताइए एक सेंटीमीटर बराबर हम 0.5 0.5 किलोमीटर लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर लिख सकते हैं मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में यानी एक सेंटीमीटर का मतलब है कितना 0.5 किलोमीटर हमसे कहा गया कि दो शहरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है बारह सेंटीमीटर देखिए एक सेंटीमीटर का मतलब आधा किलोमीटर एक सेंटीमीटर का मतलब आधा किलोमीटर तो सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 12 मतलब हो जाएगा जाएगा सेंटीमीटर का मतलब कितना छ किलोमीटर छ किलोमीटर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा छ किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑप्शन गोज टू सी ऑप्शन गोज टू सी ध्यान देंगे क्या हमने किया है फिर समझ लेंगे एक सेंटीमीटर बराबर पचास हजार सेंटीमीटर के बराबर है तो एक सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिखा 500 सौ गुना एक सौ पांच सौ गुना एक सौ और एक सौ सेंटीमीटर बराबर होता है एक मीटर इसलिए 500 मीटर आ गया ये 500 मीटर आ गया एक सेंटीमीटर का वैल्यू है पांच मीटर बताइए एक सेंटीमीटर का वैल्यू हो जाएगा कितना पॉइंट फाइव किलोमीटर का मतलब आधा किलोमीटर एक सेंटीमीटर यदि पैमाने पर चल रहे हैं उसका मतलब आधा किलोमीटर से है तो बताइए जब आप बारह सेंटीमीटर चलेंगे तो बारह सेंटीमीटर इंटू क्या हाफ हो जाएगा अर्थात कितना छह किलोमीटर इस सवाल का सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण का जो आपका फॉर्म होता है वह होता है ए एक्स है, है लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है अगर ए का मान जीरो हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा अगर हम बात करें पहले ऑप्शन से तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इसको जब आप ब्रेक करेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो आप लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस क्या फोर एक्स देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया फोर एक्स को इधर लेंगे तो आ जाएगा सेवन एक्स और चार को इधर लेंगे तो माइनस थ्री बराबर जीरो देखिए एक्स प्लस बी तो है लेकिन ए एक्स स्क्वायर नहीं है बी एक्स प्लस सी तो है लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो जीरो द्विघात समीकरण नहीं है यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या ए ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए में द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है अगला अगर हम चेक कर लें ऑप्शन देखिए एम इंटू टू एम यानी हो जाएगा टू एम स्क्वायर ऑप्शन नंबर टू को चेक करेंगे तो प्लस थ्री एम बराबर एम स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर इधर आएगा तो आ जाएगा मेरे दोस्त एम 3m स्क्वास वन बराबर जीरो देखिए यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का फॉर्म पकड़ रहा है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का फॉर्म ले रहा है यानी ये द्विघात समीकरण है इसी प्रकार से हम चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे और देख लेंगे किस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जीरो आ रहा है जिस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जीरो आएगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा और जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट नॉन जीरो आएगा यानी जीरो नहीं आएगा वह आपका द्विघात समीकरण होगा आज हम लोग इस सेशन में इतना ही रखेंगे अगले सेशन में फिर से मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर